समर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है तो आप सभी एसी का तो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कूलर का इस्तेमाल करते हैं और नए एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे होते हैं या फिर जो कूलर से नए एसी में अपग्रेड कर रहे होते हैं। तो आप में से ज्यादातर यूजर्स को ही कंफ्यूजन होती होगी कि यार स्प्लिट एसी खरीदें या फिर विंडो एसी खरीदें। सो बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि कौन सा एसी बेटर कूलिंग करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर सकती हूँ और मैं ये बता सकती हूँ कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा एसी बेटर होता है। हालांकि अगर आप ये देखेंगे जो स्प्लिट एसी है और विंडो एसी है, दोनों ही एसी की जो कूलिंग है उसमें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन डिफरेंस होता है आपकी जरूरत में। सो जो स्प्लिट एसी होते हैं वो विंडो एसी के कंपैरेटिवली ज्यादा महंगे होते हैं और विंडो एसी सस्ते तो होते हैं, लेकिन विंडो एसी में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो स्प्लिट एसी से थोड़ा ज्यादा होता है। सो इसमें क्या क्या मेन फर्क है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे बड़ा फर्क है कैपेसिटी का। सो जो स्प्लिट एसीज होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है बड़े स्पेस के हिसाब से। तो अगर आपके घर में एक बड़ा रूम है, आप एक बड़े रूम को जल्दी ठंडा करना चाहते हैं, तो विंडो एसी के बजाय आपके लिए एक स्प्लिट एसी बेटर ऑप्शन रहेगा। हालांकि जैसे मैंने बोला कि जो स्प्लिट एसीज होते हैं उनमें कॉस्टिंग ज्यादा आती है और साथ ही जो स्प्लिट एसी होते हैं उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, उनका साइज भी बड़ा होता है, इस वजह से वो बेटर तरीके से कूलिंग कर पाते हैं। सो जो वैसे जो एसी है उसका साइज जो है वो टन के हिसाब से जो उसकी कैपेसिटी है वो निकाली जाती है। सो ऐसे में अगर विंडो एसी की बात करते हैं तो विंडो एसी अफोर्डेबल यानी कि बजट में आते हैं एसी, लेकिन उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कैपेसिटी वाइज वो स्प्लिट एसी से थोड़े से लाइट वर्जन पे आते हैं, तो वो छोटे रूम को बेटर तरीके से ठंडा कर पाते हैं। इसीलिए अगर आपका रूम छोटा है, घर छोटा है और उसमें आप एक एसी फिट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से विंडो एसी ज्यादा बेटर ऑप्शन में आता है। सो प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें एक मेजर डिफरेंस ये भी होता है। सो जितने भी स्प्लिट एसीज आते हैं उनमें आपको विंडो एसी के मुकाबले ज्यादा बेटर एडवांस फीचर्स मिलते हैं, उनको इस्तेमाल करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, साथ ही रूम में लग के एक स्लीक लुक आती है, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। इस वजह से भी स्प्लिट एसी का प्राइस विंडो एसी से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा महंगा होता है। सो वैसे तो मार्केट में अलग अलग तरीके के एसी अवेलेबल हैं, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा एसी ज्यादा फिट रहता है। अब एक सबसे अच्छा फैक्टर ये है स्प्लिट एसी में, क्योंकि स्प्लिट एसी नॉइज बहुत ज्यादा कम करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि स्प्लिट एसी का जो कंप्रेसर और कंडेंसर होता है वो रूम के बाहर के साइड में लगा होता है, जिसकी वजह से रूम में नॉइज नहीं होती है। लेकिन वही जो विंडो एसी होते हैं उनके पूरे यूनिट जो है वो अंदर की तरफ रहती है, जिसकी वजह से विंडो एसी में से नॉइज ज्यादा सुनाई देती है। तो ये भी एक रीजन है कि बहुत से लोग स्प्लिट एसी खरीदना पसंद करते हैं। सो अगर आप उन यूजर्स में से हैं जिनको नॉइज बहुत ज्यादा परेशान करती है तो स्प्लिट एसी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। हालांकि स्प्लिट एसी में एक प्रॉब्लम ये है कि स्प्लिट एसी का जो इंस्टॉलेशन है वो एक प्रोफेशनल के थ्रू ही किया जा सकता है, जिसकी वजह से उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है। हालांकि स्प्लिट एसी का प्राइस भी ज्यादा है और उसको इंस्टॉल करना भी काफी महंगा है, तो इस फैक्टर में भी आप विंडो एसी प्रेफर कर सकते हैं अगर आप इंस्टॉलेशन चार्ज बहुत ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, या फिर विंडो एसी को फिट करना बहुत आसान है, आप चाहे तो खुद भी एक विंडो एसी को आराम से अपने रूम या घर में फिट कर सकते हैं। तो ये भी एक फायदा है विंडो एसी खरीदने का। इसी के साथ विंडोज एसी का एक फायदा ये है कि विंडो एसी एक पोर्टेबल एसी के तौर पर जाने जाते हैं, जिनको आप आराम से एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वही काम स्प्लिट एसी में करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल को हायर करना होता है, उसका जो पूरा इंस्टॉलेशन और फिटिंग होता है वो आपको मूव करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। तो आप ये देखिए कि दोनों एसी के ना अपने अपने फायदे हैं। जो स्प्लिट एसीज है उनमें आपको कुछ स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जैसे डी ह्यूमिडिफिकेशन मिलता है, आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। हालांकि अब जो विंडोज एसी भी आते हैं उसमें भी स्मार्ट फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। अब स्प्लिट एसी का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि स्प्लिट एसी जो है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जो कि कम बिजली का इस्तेमाल करके आपके जो रूम का टेम्परेचर है उसके हिसाब से कूलिंग को मेंटेन कर देते हैं, जिससे आपकी बिजली भी कम खर्च होती है और बिजली बिल भी कम आता है। ये फैसिलिटी आमतौर पे जो विंडोज एसी है उनमें कम देखने के लिए मिलती है। तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया स्प्लिट एसी और विंडो एसी में क्या फर्क होता है। सो आपकी जरूरत के हिसाब से ही आपको एसी सेलेक्ट करना होगा। तो मैं आपको एक कंक्लूजन ये दे देती हूँ, जैसे अगर आपका घर बड़ा है, बड़ा एरिया है, बड़ा रूम है, और अगर आप चाहते हैं कि जो बिजली का कंजप्शन है वो कम हो, तो आप चाहे तो एक स्प्लिट एसी या फिर इन्वर्टर स्प्लिट एसी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर या रूम छोटा है और आपका बजट टाइट है तो आप एक विंडो एसी खरीद सकते हैं।
तो दोनों ही एसीज का पर्पज अलग अलग है, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से देखना है। तो आप हमें बताइए कि इस समर सीजन में आप कौन सा एसी खरीदने की प्लानिंग करें और आपको क्या लगता है कि स्प्लिट और विंडो में से कौन से एसी में बेटर कूलिंग होती है। तो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।